गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर विनय वर्मा, आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें दिया हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसको आप लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? तो माइटोकांड्रिया भी हो गया है, प्लास्टिड भी हो गया है, राइबोसोम भी हो गया है। तो एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है साइटोस्केलेटन। तो आज हम लोग साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रियोल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। पहला सवाल ये है, साइटोस्केलेटन के बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि साइटोस्केलेटन है क्या? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नेटवर्क है ये, वो भी किसका नेटवर्क है? प्रोटीनेसियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन तो यही है, कहाँ प्रेजेंट है? इन साइटोप्लाज्म, किसी पर्टिकुलर सेल के साइटोप्लाज्म में नेटवर्क पाया जाता है प्रोटीनेसियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर का, उसी को कहते हैं क्या? साइटोस्केलेटन। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि जो यहाँ प्रोटीनेसियस फिलामेंट पाए जाते हैं, जिनका नेटवर्क पाया जाता है, वो कौन कौन से होते हैं? तो वो तीन होते हैं। एक का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल, एक का नाम है माइक्रोफिलामेंट और एक का नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है? इनके तीन अलग अलग नाम क्यों हैं? क्योंकि तीनों का जो डायमीटर है वो अलग अलग है। माइक्रोट्यूब्यूल का जो डायमीटर है वो 20 to 25 नैनोमीटर है, माइक्रोफिलामेंट का 6 to 8 नैनोमीटर है, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट का 10 नैनोमीटर है। एक और क्वेश्चन, चूंकि ये प्रोटीनेसियस फिलामेंट है, क्या लिखा हुआ है? प्रोटीनेसियस फिलामेंट है, तो फिर प्रोटीन भी अलग अलग होगी, तो देखो कौन सी प्रोटीन होती है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल में जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है ट्यूब्यूलिन, माइक्रोफिलामेंट में जो प्रोटीन पाई जाती है वो है एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट में जो प्रोटीन होती है वो काइनेसिन होती है। तो तीन क्वेश्चन तो हमको ये मिल गए कि कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं और कितना कितना डायमीटर होता है। साइटोस्केलेटन क्या है? तो कहोगे प्रोटीनेसियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में है, जिसमें तीन स्ट्रक्चर हैं, माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, सबके अलग अलग डायमीटर हैं, सबकी अलग अलग प्रोटीन है, जैसे इसमें ट्यूब्यूलिन है, इसमें एक्टिन है, इसमें काइनेसिन, ठीक है? एक क्वेश्चन और है, सवाल यह है कि माइक्रो साइटोस्केलेटन, जो साइटोस्केलेटन है वो आखिर करेगा क्या? साइटोस्केलेटन सेल में क्यों पाया जाता है? तो कोई ना कोई तो पर्पज होगा, तो काहे के लिए है? तो पहला आंसर देंगे मैकेनिकल सपोर्ट। किसके लिए है? तो आंसर देंगे मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा किसके लिए है? तो फॉर मोटाइलिटी ऑफ सेल। और तीसरा है मेंटेन शेप ऑफ सेल, ठीक है? ये तो फंक्शन हो गए। तो साइटोस्केलेटन क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मोटाइलिटी में इन्वॉल्व है और शेप ऑफ सेल।
एक स्पेशल क्वेश्चन आप अलग से याद रखोगे जो एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन आया हुआ सवाल है। ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल हैं, कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। और स्ट्रक्चर में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा सीलिया है, दूसरा याद रखिएगा फ्लैजिला है, तीसरा याद रखिएगा सेंट्रियोल है, चौथा याद रखिएगा बेसल बॉडी है, पांचवा याद रखिएगा स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल अपरेटस। ठीक है, तो ये आया हुआ सवाल है नीट में कि माइक्रो ट्यूब्यूल किस किस स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो आंसर देंगे सीलिया का भी है, फ्लैजिला का भी है, सेंट्रियोल का भी है, बेसल बॉडी का है, स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल अपरेटस का है। ठीक है, अब हम लोग इसी बात को एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में देख लिया जाए, यह है साइटोस्केलेटन। और एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर, जिसमें क्या क्या आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज में। और इन्हीं को कहते क्या है, साइटो स्केलेटन। साइटो स्केलेटन किसमें इन्वॉल्व है, तो इन्वॉल्व देखो किसमें है, सबसे पहला है मैकेनिकल सपोर्ट में इन्वॉल्व है, दूसरा मोटेलिटी में इन्वॉल्व है, और तीसरा मेंटेनेंस ऑफ क्या, शेप ऑफ सेल। वो अलग बात है कि शेप ऑफ सेल में सेल वॉल का भी रोल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो अगली हेडिंग है किसमें, अगली हेडिंग है सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब सीलिया और फ्लैजिला पढ़ेंगे। सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला में जो पहला क्वेश्चन हम लोगों को याद रखना है वो ये है कि सीलिया और फ्लैजिला क्या हैं। तो हम कहेंगे हेयर लाइक आउट ग्रोथ हैं, हेयर लाइक आउट ग्रोथ हैं कहाँ, ऑफ सेल मेम्ब्रेन, किसी पर्टिकुलर सेल के सेल मेम्ब्रेन से हेयर लाइक आउटग्रोथ निकलते, उन्हीं को हम लोग सीलिया और फ्लैजिला। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है और इस पर्टिकुलर सेल में तो मान लेते हैं कि ये सेल है, तो देखो क्या होता है, इस पर्टिकुलर सेल से हेयर लाइक आउटग्रोथ निकलेगी और उस हेयर लाइक आउटग्रोथ का नाम या तो सीलिया होगा या तो फ्लैजिला होगा। लेकिन अंतर समझ लीजिए क्या है, जैसे ये सीलिया है और ये फ्लैजिला है, दोनों में एक समानता है, दोनों में कुछ अंतर है। दोनों चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो कहां से निकलते हैं, बेसल बॉडी, जो कि क्या है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है। पहला सवाल, तो हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन है एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है बोथ
एराइज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, और उस सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर का नाम बेसल बॉडी है। दूसरा बात, तीसरा है कि अगर हम सिर्फ सीलिया की बात करें तो सीलिया की खास बात यह है कि सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर है। अगर देखें ध्यान से तो सीलिया स्मॉल है, फ्लेजुला लॉन्ग है, स्मॉल स्ट्रक्चर है, और ये काम करता है वर्क लाइक ओर, ये नाव के पतवार के जैसा काम करता है, और रिजल्ट में क्या होता है, या तो मूवमेंट होगा किसका, सेल का, या फिर मूवमेंट होगा सराउंडिंग का। दो ही चीजों, या तो सराउंडिंग मूवमेंट होगा या तो सेल का मूवमेंट होगा, स्मॉल स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अगर हम फ्लैजिला की बात करें, अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला लॉन्ग स्ट्रक्चर है, एक क्वेश्चन। दूसरा, और फ्लैजिला से हमेशा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सेल ही होता है। एक स्पेशल सवाल हमको याद रखना है, स्पेशल सवाल क्या है वो देख लो। स्पेशल सवाल ये है कि किसी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास भी क्या हो सकता है, फ्लैजिला हो सकता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है, कहां से, यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। अब क्या अंतर होता है जरा देख लीजिए। तो जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है इस प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की खास बात ये होती है कि इसमें 9+0 माइक्रोट्रिब्यूल होते हैं। अब ये 9+0 क्या है भी आगे समझ में आएगा। जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला की अगर बात करें तो यहाँ 9+2 माइक्रोट्रिब्यूल होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है वो 9+0 है या 9+2 होता है, और ये अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो वापस जरा देख लेते हैं हम लोग, सीलिया एंड फ्लैजिला क्या है, हेयर लाइक आउट ग्रोथ है, किसकी है, सेल मेम्ब्रेन, दोनों कहाँ से निकलते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जैसे कौन सा स्ट्रक्चर तो कहोगे बेसल बॉडी। दूसरा, सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर है और ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ करता है किसका, सेल का, या मूवमेंट किसका करता है, सराउंडिंग का। लेकिन अगर हम फ्लैजिला की बात करेंगे तो फ्लैजिला लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये मूवमेंट ऑफ सेल करता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है किससे, यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। क्या यहाँ 9+0 अरेंजमेंट होता है जबकि यहाँ 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे फ्लैजिला क्या हो गया, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, मूवमेंट ऑफ सेल कराता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो स्ट्रक्चर वाइज क्या होता है, डिफरेंट होता है किससे, यूकैरियोटिक, क्योंकि यूकैरियोटिक में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट 9+2 होता है जबकि प्रोकैरियोटिक में 9+0 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें
किसी पर्टिकुलर सीलिया और फ्लैजिला का, तो स्ट्रक्चर वाइज जरा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है और ये मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर सीलिया या फ्लैजिला है, तो होता यह है कि बेटा किसी पर्टिकुलर सीलिया और फ्लैजिला को ध्यान से देखोगे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो पता चलेगा कि सीलिया और फ्लैजिला कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से देखें तो ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है कोर, ये है कोर ऑफ सीलिया कहो या फ्लैजिला कहो। सीलिया और फ्लैजिला का जो कोर होता है इसको कहते हैं एक्सोनीम, ठीक है, और ये है बेसल बॉडी और ये कोई पर्टिकुलर क्या है, सेल है। तो किसी पर्टिकुलर सेल से जो सीलिया फ्लैजिला निकलता है वो सराउंडेड बाय किससे होता है, सेल मेम्ब्रेन। और ये हमको कब देखने मिलता है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसका जो कोर होता है उस कोर का नाम क्या होता है, एक्सोनीम होता है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब और अगर डिटेल में देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर एक्सोनीम को ध्यान से देखेंगे तो किससे बना होता है, तो इसमें ढेर सारे नंबर ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल होते हैं और जो कि बने किसके होते हैं, तो पहले से ही पता है किसके बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। कितने होते हैं, कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, तो याद रखेंगे टोटल 20 माइक्रो ट्यूब्यूल होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड अलोंग एक्सिस। ठीक, एक क्वेश्चन तो एक्सिस के अलोंग होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं। और ये जो 20 माइक्रो ट्यूब्यूल होते हैं इसमें से 18 अलग होते हैं और 2 अलग होते हैं। 18 जो होते हैं वो पेरिफेरल होते हैं, जबकि 2 जो होते हैं वो सेंट्रल। जो पेरिफेरल होते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल की खास बात यह होती है, अभी हम डायग्राम से आपको दिखाएंगे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट होते हैं जबकि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट होते हैं। क्या होता है ये डबलेट क्या है, ये सिंगलेट क्या है, अभी आपको डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर से रिपीट कर लेता हूँ, किसी पर्टिकुलर सेल से जो सीलिया और फ्लैजिला निकलता है जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा सीलिया एंड फ्लैजिला कवर्ड बाय किसके द्वारा, आंसर देंगे सेल मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन, दूसरा उसके अंदर जो कोर होता है, कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, वो कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला उसको कहते हैं एक्सोनीम। इसमें ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। टोटल
कितने माइक्रोट्यूबुल होते हैं, 20 माइक्रोट्यूबुल होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं एलॉन्ग द एक्सिस। अभी याद करना है, वे डायग्राम में दिखाएंगे। दूसरा, 20 में से जो 18 है वो बाहर बाहर पाए जाते हैं, इस नाते उनको पेरिफरल माइक्रोट्यूबुल कहते हैं। दो सेंटर में पाए जाते हैं, उनको सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल कहते हैं। जो पेरिफरल माइक्रोट्यूबुल होते हैं उनको डबलेट कहा जाता है, जबकि जो सेंट्रल में होते हैं उनको सिंगलेट कहा जाता है। अब इसको हम जब डायग्राम से देखेंगे तो भी समझ में आएगा। अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो स्थिति ये होती है कि सेंटर में दो माइक्रोट्यूबुल पाए जाते हैं, तो मान लेते हैं कि ये दो सेंट्रल के माइक्रोट्यूबुल हैं, और सेंटर के जो माइक्रोट्यूबुल होते हैं इनके ऊपर सीथ पाई जाती है। तो मान लेते हैं कि ये सीथ है, ठीक है। फिर क्या होता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल पाए जाते हैं, और पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल देखो कैसे अरेंज होते हैं और उसको कहते क्या है। तो दो माइक्रोट्यूबुल ये हो गए, 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 कितने हो गए, फोर। दो माइक्रोट्यूबुल ये हो गए, दो माइक्रोट्यूबुल ये हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, थ्री बनने हैं। थोड़ी जगह कम पड़ गई, थोड़ा सही कर लेते हैं बेटा। दो माइक्रोट्यूबुल ये हो गए, दो माइक्रोट्यूबुल ये हो गए, दो माइक्रोट्यूबुल हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9, ठीक है। 9 होते हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट अच्छा नहीं, मैं फिर से बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर से बना लेते हैं जिससे अरेंजमेंट सही रहे। मैं फिर से बना लेता हूँ, कोई खास बात नहीं, इधर देख लेते हैं। दो माइक्रोट्यूबुल ये हो गए, 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 दो ये हो गए, दो ये हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और दो माइक्रोट्यूबुल ये हो गए और दो माइक्रोट्यूबुल ये हो गए, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो बाहर जितने हैं वो सब पेयर में बने हैं, इसी नाते इनको डबलेट कहते हैं। एक और डायग्राम ध्यान से देखें, होता ये है कि इसमें एक ट्यूबुल को हम ए कहते हैं, दूसरे को बी कहते हैं, तो ए और बी ऐसे जुड़े होते हैं, इनको हम लोगों ने जोड़ दिया, ए और बी ऐसे जुड़े होते हैं। दूसरा सवाल देखिए, इसमें जो ए सब ट्यूबुल होते हैं इसके ऊपर इस प्रकार के स्ट्रक्चर लगे होते हैं, सब में तो नहीं बनाएंगे लेकिन कुछ में हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा सही कर लेते हैं बच्चों, कुछ आज बोर्ड सही काम नहीं कर रहा है, चलो सही कर लेते हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि ये ए सब ट्यूबुल है, ये बी है, तो फिर ये ए है, ये बी है,
तो होता क्या है कि ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, तो इनको जोड़ लेते हैं, ये ऐसे जुड़े होते हैं, और इसमें से जो ए सबटिब्यूल है उसकी खास बात ये होती है कि इस पे आर्म पाए जाते हैं, इस टाइप से आर्म लगे होते हैं। सब में तो खैर नहीं बनाने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग कुछ में बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ लेबलिंग कर लेते हैं, देखो क्या स्थिति है बेटा। खास बात ये है कि ये दो, इनको कहते हैं पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल। क्या कहते हैं? पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल। और इनकी खास बात ये होती है कि ये डबलेट होते डबलेट के, देखो एक साथ दो दो पाए जाते हैं। खास बात ये है कि ये रेडियली अरेंज्ड होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं, पेरिफरल होते हैं, डबलेट होते हैं। और कितने डबलेट होते हैं तो याद रखिएगा, कितने डबलेट होते हैं? 9। और एक डबलेट में कितने माइक्रोट्यूबुल होते हैं? 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 18। दूसरी खास बात देखिए, ये जो है ये हैं सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल। और इनकी खास बात ये है कि ये सिंगलेट होते हैं। सिंगलेट का मतलब अकेले अकेले होते हैं, पेयर में नहीं होते हैं। और होते कितने हैं? तो होते हैं 2। 2 कहो चाहे 1 पेयर कहो, बात तो एक ही है। हम 1 पेयर भी कह सकते हैं और हम 2 भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दूसरा देखो, और अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी पेरिफेरल डबलेट में जो ए सब टिब्यूल होती है, इस पे आर्म पाए जाते हैं। ये क्या है? ये हैं आउटर डाइनिन आर्म, और ये क्या है? इनर डाइनिन आर्म। ठीक है, क्वेश्चन और देखो, और अगर ध्यान से देखें तो ये जो पेरिफरल डबलेट हैं, ये पेरिफरल डबलेट हैं, ये पेरिफरल डबलेट हैं, सारे डबलेट आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये बेटा जुड़े होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा या इंटर डबलेट लिंकर के द्वारा। एक और क्वेश्चन हम लोग को याद रखना है, ये क्या है बेटा? दो सेंट्रल टिब्यूल हैं और दोनों सेंट्रल टिब्यूल भी आपस में जुड़ी होती हैं। दोनों सेंट्रल टिब्यूल भी आपस में जुड़ी होती हैं, किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो ये क्या होता है? तो इसको लिंकर कहते हैं, या इसको भी क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्या है? ये है सेंट्रल सीथ, जो किसके अराउंडिंग है? तो आंसर देंगे किसके अराउंड है? सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल के अराउंड है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बात है क्या? अगर ध्यान से देखेंगे तो देखने को ये मिलेगा कि जो ए सब टिब्यूल है, ए सब टिब्यूल जो ए सब टिब्यूल है वो सेंट्रल सीथ से जुड़ी होती है। ए सब टिब्यूल सेंट्रल सीथ से जुड़ी होती है किसके द्वारा? ए सब टिब्यूल सेंट्रल सीथ से जुड़ी होती है किसके द्वारा? तो आंसर देंगे रेडियल स्पोक, रेडियल इसके द्वारा जुड़ी होती है। आंसर देंगे रेडियल स्पोक।
रेडियल स्पोक। पहला सवाल ये है कि ये कितनी होती हैं, तो याद रखेंगे ये 9 होती हैं, और ये किसकी बनी होती हैं तो भी याद रखेंगे, ये प्रोटीन की बनी होती हैं। और इनकी जिम्मेदारी क्या है, जो पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल हैं उसको सेंट्रल सीथ से क्या करना, कनेक्ट करना। इतने स्ट्रक्चर हैं, फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर सीलिया और फ्लैजिला के एक्जोनियम की अगर टीएस काटेंगे तो हमको ये देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, बाहर बाहर हमको 18 माइक्रोटिब्यूल मिलेंगी, लेकिन वो डबलेट के फॉर्म में मिलेंगी। एक डबलेट में 2 होंगे तो टोटल कितने डबलेट हैं, 9, तो टोटल कितनी हो गई, 18। तो 18 माइक्रोटिब्यूल तो बाहर बाहर लगी होती हैं, किस फॉर्म में, डबलेट के फॉर्म में। इन बाहर बाहर लगी होती है तो इनको हम पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल कहेंगे, ये रेडियली अरेंज होती हैं, लेकिन 2 माइक्रोटिब्यूल सेंटर में होती हैं। तो 2 माइक्रोटिब्यूल जो सेंटर में होती हैं उनको हम लोग सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल कहते हैं, वो अलग अलग होती, इसी नाते उनको सिंगलेट कहते हैं। और होती कितनी है, 2, एक क्वेश्चन। इसी नाते यहाँ जो माइक्रोटिब्यूल का अरेंजमेंट होता है, यहाँ जो माइक्रोटिब्यूल का अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं 9+2। कौन सा अरेंजमेंट कहते हैं, 9+2 माइक्रो टिब्यूल अरेंजमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा, किसी पर्टिकुलर पेरिफेरल डबलेट की बात करें, इसमें 2 होती है ए और बी। इसमें से जो ए होता है इसमें आर्म पाई जाती है, आउटर डाइनिन आर्म और इनर डाइनिन आर्म। एक और खास बात है, पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल सेंट्रल सीथ से जुड़ी होती है, किसके द्वारा, रेडियल स्पोक से, जो कि कितने होते हैं, 9। एक और क्वेश्चन है, दोनों सेंट्रल आपस में जुड़े होते हैं लिंकर या ब्रिज के द्वारा, और दोनों पेरिफेरल भी आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा, इंटर डबलेट ब्रिज या लिंकर के द्वारा। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग NCERT से पढ़ लेते हैं। चलिए सीलिया और फ्लैजिला कंप्लीट पढ़ लेते हैं। पहली बात, सीलिया और फ्लैजिला क्या है, हेयर लाइक आउटग्रोथ हैं, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। इसी में लास्ट लाइन में लिखा, पहले वो पढ़ लेते हैं, लास्ट लाइन ये लिखी है, दोनों चाहे क्या हो सीलिया और चाहे क्या हो फ्लैजिला कहाँ से निकलते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, और उसको कहते क्या है, बेसल बॉडी। ठीक है, 2 क्वेश्चन, वापस चलते हैं। सीलिया की खास बात यह है कि सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ये पतवार की तरीके से काम करता है, और इससे मूवमेंट होगा किसका, या तो सेल का और या तो किसका होगा, सराउंडिंग फ्लूड का। लेकिन अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला थोड़ा सा लॉन्ग होता है और इससे क्या होता है, सेल का मूवमेंट। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ भी फ्लैजिला होगा, लेकिन स्ट्रक्चरली क्या होगा, डिफरेंट होगा, कहाँ से, यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे किसको, चाहे सीलिया को देखें चाहे फ्लैजिला को, तो पता चलेगा कि कवर्ड बाय किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीलिया और फ्लैजिला दोनों का जो कोर है उसको क्या कहते हैं, एक्जोनियम कहते हैं। इसमें ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, माइक्रोटिब्यूल, जो कि कैसे रन करते हैं, पैरेलल अलोंग द एक्सिस। टिक कर लो, एक्जोनियम में 9 क्या पाए जाते हैं, डबलेट, वो भी कैसे, रेडियली अरेंज्ड, कौन से, पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल। और एक जोड़ी कहो चाहे 2 कहो, क्या पाए जाते हैं, सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोटिब्यूल। और इसी अरेंजमेंट ऑफ एक्जोनियम माइक्रोटिब्यूल के अरेंजमेंट को कहते क्या है, 9+2 एरे या 9+2 अरेंजमेंट। एक क्वेश्चन और है, जो सेंट्रल टिब्यूल हैं वो किसके द्वारा आपस में जुड़ी हैं, ब्रिज के द्वारा, इनक्लोज्ड बाई किसके द्वारा, तो आंसर देंगे सेंट्रल सीथ के द्वारा, जो कि कनेक्टेड हैं वन ऑफ द टिब्यूल, एक टिब्यूल, वो भी कहाँ की, पेरिफेरल डबलेट, किसके द्वारा जुड़े हैं, रेडियल स्पोक, कितने रेडियल स्पोक, 9 रेडियल स्पोक। पेरिफेरल डबलेट भी आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा, तो आंसर देंगे क्या, लिंकर के द्वारा। चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, कहाँ से निकलते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते क्या है, बेसल बॉडी। ठीक है बच्चों,
तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल क्या है, जरा देखते हैं। तो पहला सवाल यह है कि किसी एक सेंट्रोसोम में टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, और दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, तो आंसर देंगे क्या, सेंट्रियोल। कहने का मतलब है कि टू सेंट्रियोल से वन क्या बनता है, सेंट्रोसोम। कैसे, जरा देखो। तो मान लेते हैं कि एक सेंट्रियोल ये है और दूसरा सेंट्रियोल ये है। पहला जो सबसे काम का सवाल है कि दोनों सेंट्रियोल दोन सेंट्रियोल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, एक क्वेश्चन। दूसरा, सेंट्रियोल के बाहर बाहर, सेंट्रियोल के बाहर बाहर सेंट्रियोल के बाहर बाहर एमार्फस एमार्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल भी पाया जाता है, एक क्वेश्चन। दूसरा, किसी एक पर्टिकुलर सेंट्रोसोम में जो दो सेंट्रियोल हैं, इन दोनों सेंट्रियोल के बाहर बाहर साइटोप्लाज्म की लेयर पाई जाती है, क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, और इस क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया का नाम सेंट्रोस्फेयर होता है, या इसी को काइनेसोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोस्फेयर या काइनेसोप्लाज्म क्या होता है, तो ये वास्तव में साइटोप्लाज्म की लेयर होती है अराउंड सेंट्रियोल ऑफ द सेंट्रोसोम। किसी पर्टिकुलर सेंट्रोसोम में जो दो सेंट्रियोल होते हैं उसके बाहर बाहर क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, उसी को सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। एक और, किसी भी सेंट्रियोल के बाहर बाहर एमार्फस पेरिसेंट्रियोल मटेरियल पाया जाता है। किसी भी सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं जो कि सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक क्वेश्चन। इसमें से जो सेंट्रियोल होता है उसका कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अब ये कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो वो आगे देखते हैं। ये हमने डायग्राम बना रखा है, ये किसी पर्टिकुलर सेंट्रियोल के प्रॉक्सिमल एंड का, किसी सेंट्रियोल के अगर हम प्रॉक्सिमल एंड को देखेंगे तो इसके सेंटर में प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम हब होता है, एक क्वेश्चन। ये कहाँ पाया जाएगा, प्रॉक्सिमल एंड के सेंटर में, किसी सेंट्रियोल के प्रॉक्सिमल एंड के सेंटर पर प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है, उसको कहते क्या है, हब, एक क्वेश्चन। दूसरा, इसमें जो बाहर बाहर पाए जाते हैं वो वास्तव में पेरिफेरल फिब्रिल होते हैं, ये पेरिफेरल फिब्रिल होते हैं, और पेरिफेरल फिब्रिल किस चीज के बने होते हैं, तो आंसर देंगे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, और इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं पेरिफेरल ट्रिपलेट। क्या कहते हैं, पेरिफेरल ट्रिपलेट। तो दो क्वेश्चन, बाहर बाहर पाए जाते हैं पेरिफेरल फिब्रिल,
जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन को है, इनको पेरिफेरल ट्रिपलेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तीन माइक्रोटिब्यूल होते हैं, ए बी और सी। तो टोटल अगर माइक्रोटिब्यूल पूछा जाए किसी पर्टिकुलर सेंट्रियोल में कितने माइक्रोटिब्यूल हैं, तो जरा देखो पेरिफेरल ट्रिपलेट कितने होते हैं, तो पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं 9, और एक में कितने होते हैं, 3 माइक्रोटिब्यूल होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 27 माइक्रोटिब्यूल। ऐसा कोई भी अरेंजमेंट जिसमें बाहर बाहर 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट पाए जाए लेकिन सेंट्रल में कोई माइक्रोटिब्यूल ना पाए जाए, इसी नाते इसको कहते क्या है, 9+0 अरेंजमेंट, और इसी को कहते क्या है, कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी पर्टिकुलर सेंट्रियोल में क्या होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है। क्यों? 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट तो पाए जाते हैं लेकिन सेंटर में क्या होता है, तो सेंटर में हब होता है, कोई भी माइक्रोटिब्यूल नहीं पाई जाती है, इसी नाते इसको 9+0। एक क्वेश्चन और है, किसी भी पेरिफेरल ट्रिपलेट में से एक ट्यूब्यूल हब से जुड़ी होती है, किस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, तो आंसर देंगे रेडियल स्पोक से जुड़ी होती है, और रेडियल स्पोक की संख्या भी कितनी, 9, और ये किसकी बनी होती है, तो आंसर देंगे किसकी बनी होती है, प्रोटीन। तीन ही क्वेश्चन बताए हैं, किसी सेंट्रियोल के प्रॉक्सिमल एंड पर सेंटर में प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है, उसका नाम हब है, किसी सेंट्रियोल में बाहर बाहर इवनली पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल पाए जाते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, जिनको हम लोग पेरिफेरल ट्रिपलेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, एक ट्रिपलेट में 3 है और 9 ट्रिपलेट होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 27 माइक्रोट्यूब्यूल। आखिरी क्वेश्चन, ये जो ट्रिपलेट है वो भी आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, लिंकर, इधर का ए इधर के सी से जुड़ेगा तो क्या कहोगे, एसी लिंकर। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो सेंट्रल हब है वो पेरिफेरल ट्रिपलेट से भी जुड़ा होता है, किसके द्वारा, प्रोटीन के बने हुए रेडियल स्पोक के द्वारा। अब आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्या आखिरी क्वेश्चन ये है कि सेंट्रियोल क्या बनाता है, तो सेंट्रियोल बनाता है दो चीजें, एक तो बनाता है बेसल बॉडी, किसकी, सीलिया की, और किसकी, फ्लैजिला की, और क्या बनाता है, तो कहोगे स्पिंडल फाइबर, किसके, ऑफ स्पिंडल अपरेटस, कब, एट सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल में क्या बनाता है, तो आंसर देंगे ये स्पिंडल फाइबर बनाता है। इतना ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और इतना ही हमको याद रखना है। एक क्वेश्चन जरा बैक का देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ये है कि जो ये सेंट्रोसोम है ये किसमें पाया जाता है, तो याद रखेंगे ये किसकी पहचान है, ये एनिमल सेल की पहचान है, क्योंकि ये प्लांट सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार जरा इसको एनसीईआरटी से भी क्या करते हैं, देख लेते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी से देख लिया जाए, देखो कैसे लिखा हुआ है, सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेल है जिसमें पाए जाते हैं 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, नाम क्या है, सेंट्रियोल। इनकी खास बात है ये सराउंडेड बाई एमार्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। दोनों सेंट्रियोल इसमें जो सेंट्रोसोम में है वो कैसे पाए जाते हैं, परपेंडिकुलर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक सेंट्रियोल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, कार्टव्हील, दे आर, ये किसके बने होते हैं, देखो लिखा है 9 इवनली स्पेस, बराबर की दूरी, पेरिफेरल फिब्रिल, किसके बने हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और प्रत्येक पेरिफेरल फिब्रिल कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, और एडजेसेंट ट्रिपलेट आपस में क्या रहते हैं,
लिंक्ड रहते हैं। जो सेंट्रल पार्ट है कहाँ, प्रॉक्सिमल रीजन, किसका, सेंट्रियोल, वो कैसा होता है, प्रोटीन एसीएस होता है, और इसको कहते क्या है, हब, जो कि कनेक्टेड है किससे, टिब्यूल ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट, किसके द्वारा, रेडियल स्पोक, बना किसका है, प्रोटीन, ये पॉइंट टिक कर लो। सेंट्रियोल क्या बनाता है, तो कहेंगे बेसल बॉडी बनाता है, किसकी, सीलिया और फ्लैजिला, और क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर, जिससे क्या बनता है, स्पिंडल अपरेटस, कब बनता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, किसमें बनता है, तो याद रखेंगे एनिमल सेल में। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं तक है, अब हम लोग एक लेक्चर और पढ़ेंगे जिसमें न्यूक्लियस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय बच्चों।